गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है एक्सेलरेशन पार्ट थ्री। एक्सेलरेशन पार्ट थ्री में हम क्या देखेंगे, एस वर्सेस टी के ग्राफ। जो आपके बुक में तीन ग्राफ दिए हैं, क्या कितने ग्राफ दिए? तीन ग्राफ दिए। एक ग्राफ ऐसा दिया है एस वर्सेस टी का, एक ग्राफ ऐसा दिया है कि वो क्या दिया, अपर बाउंड कौन क्यों दिया, कैसा दिया है अपर बाउंड क्यों। ओके, दूसरा ऐसा ग्राफ दिया है डाउनवर्ड बाउंड क्यों, और तीसरा दिया है अपर बाउंड क्यों और डाउनवर्ड बाउंड क्यों। ओके, तो ये कैसा है ग्राफ नंबर वन, कैसा है अपर कोण क्यों, कैसा है अपर कोण क्यों। जब अपर कोण क्यों होता है, कैसा होता है अपर कोण क्यों होता है, तब एक्सेलरेशन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, कैसा होता है पॉजिटिव, कैसा होता है पॉजिटिव। जब डाउनवर्ड कोण क्यों होता है तब एक्सेलरेशन कैसा होता है नेगेटिव, और जब ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है तब कैसा होता है एक्सेलरेशन कैसा होता है कॉन्स्टेंट होता है, कैसा होता है कॉन्स्टेंट, सॉरी कॉन्स्टेंट नहीं होता है जीरो होता है, क्या होता है जीरो होता है, क्या होता है जीरो। ओके, तो जब अपर कोण का जब पॉजिटिव डाउनवर्ड तब नेगेटिव, और जब ऐसा होता है तब इसके अंदर स्ट्रेट लाइन होती है, तब क्या होता है जीरो होता है। समझते हैं इसमें क्या है, अब देखो एस वर्सेस टी ग्राफ क्या है, एस वर्सेस टी ग्राफ, एस वर्सेस टी ग्राफ है जिसकी हम क्या करते हैं कि एस वर्सेस टी ग्राफ का हम जो जिसके हम जिसके डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और जब हम डिस्प्लेसमेंट को टू टाइम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम टू टाइम क्या करते हैं डेरिवेशन करते, क्या करते डेरिवेशन, क्या करते डेरिवेशन करते, तब हम क्या मिलता है एक्सेलरेशन मिलता है। डेरिवेशन का मीनिंग क्या होता है, डीएस अपॉन डीटी, डीएस अपॉन डीटी क्या मिलता है हमको वेलोसिटी, अब वेलोसिटी डीवी अपॉन डीटी। ओके, तब क्या मिलता है हमको एक्सेलरेशन मिलता है, मींस इसका रिलेशन किसके साथ है वेलोसिटी के साथ है, समझते हैं हम। देखो मींस के बी ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को कितनी बार टू टाइम क्या करता है डेरिवेशन करना पड़ता है, क्या करता है डेरिवेशन करना, टू टाइम क्या करते हैं डेरिवेशन करते हैं, तो क्या मिलता है फर्स्ट टाइम हमको क्या मिलता है वेलोसिटी मिलती है, फर्स्ट टाइम हमने वेलोसिटी डेरिवेशन किया तो क्या मिली वेलोसिटी। अब इसको हम क्या करते हैं सेकंड टाइम क्या करते हैं डेरिवेशन करते हैं, इसके हमारा क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है डीवी डीटी, इसका मीनिंग क्या हुआ वी का मीनिंग वी को हमको क्या करना है डी मीन कैसा होगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। ओके, तो हमको क्या इसका दो टाइम क्या करते हैं डेरिवेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है एक्सेलरेशन मिलता है। एस वर्सेस टी का ग्राफ है, एस वर्सेस टी का ग्राफ में क्या होता है इस तरह लिख सकते हैं डीएस अपॉन डीटी, और डिस्प्लेसमेंट का हमको कितनी बार दो बार डेरिवेशन करते हैं तब क्या मिलता है हमको एक्सेलरेशन मिलता है। इसका रिलेशन किसके साथ है वेलोसिटी के साथ है, एस वर्सेस टी का ग्राफ हमको क्या देता है वेलोसिटी भी देता है, और एस वर्सेस टी का ग्राफ क्या हमको क्या रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी रिप्रेजेंट करता है। जब अपर कोण क्या होता है, जब अपर कोण क्या होता है तब क्या हमको मीन तब वो क्या मीन क्या अपर कोण क्या होता है तब क्या होता है पॉजिटिव, डाउनवर्ड कोण क्या होता है एक्सेलरेशन क्या होता है नेगेटिव, बस वही समझना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एस वर्सेस टी का ग्राफ है वो क्या वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, और ऐसे ही जब हम डाउनवर्ड वाला देखा था उसमें भी क्या होता है उसमें भी हमको क्या मिलता है वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट करता है। अब देखो एग्जांपल के जरिए समझते हो अपवर्ड और डाउनवर्ड के डाउनवर्ड कोण को क्या क्या मीन्स हम कैसे वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो अब इतना याद रखना है कि अपवर्ड है तो क्या है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड है तो क्या है नेगेटिव एक्सेलरेशन, कैसा है नेगेटिव।
बढ़ती है या घटती है, एक्सपोजिटी का एक एग्जांपल लेंगे, एक्सपोजिटी के नाम का एक एग्जांपल लेंगे, उसमें से हम देखेंगे कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, मींस कि वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सिंपल है, हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, एक एग्जांपल नंबर वन लेते हैं पहले। तो देखो अब क्या करना है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया है ग्राफ इस तरह, ओके। तो इस तरह ग्राफ हमको दिया हुआ है, उसमें क्या बोला है कि ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कैसा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, और उसमें हमें इस तरह को क्या दिया है, कोई फिगर दी है, ओके। इस तरह से हमको वो फिगर दी है। तो इस तरह के ग्राफ में हमको क्या फाइंड करना है, सिंपल है, इस तरह के ग्राफ में हमको क्या फाइंड करना है, इस तरह के ग्राफ को हमने फाइंड करने का बोला होगा कि फाइंड वी, क्या बोला है फाइंड वी, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, क्या फाइंड करना है वी, फाइंड वी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है क्या डिक्रीज कर रही है। देखो अब मैंने अगले लेक्चर में, इसके पहले तो मैं देखते हैं कि कैसा है डाउनवर्ड कॉन्केव, कैसा है डाउनवर्ड कॉन्केव, डाउनवर्ड कॉन्केव का मीनिंग क्या हुआ कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा नेगेटिव, ओके। कैसा है डाउनवर्ड कॉन्केव, डाउनवर्ड कॉन्केव का मीनिंग क्या होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा नेगेटिव। अब देखो अब मैंने बोला था कि जब एंगल क्या होता है, एंगल एंगल जब 90 से बड़ा होता है तो वेलोसिटी कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। एंगल 90 से छोटा होता है तो वेलोसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ओके। तो कहना है वी जाएगी पॉजिटिव, कैसे आएगी पॉजिटिव, ओके। और यहाँ पे वी कैसा मिलेगा, वी नेगेटिव मिलेगा। तो बस हमको क्या करना है, वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे वो फाइंड करने का है। तो अब देखो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले रहा है, इस पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए वेलोसिटी क्या है, तो मैं क्या वहां पे क्या करूंगा टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, क्या करूंगा टेंजेंट। अब देखो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया था, थीटा कैसा आया 90 से ज्यादा आया, थीटा कैसा है 90 से ज्यादा, तो वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी कैसी है नेगेटिव, कैसी है नेगेटिव। अब देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो कैसे है, दोनों के दोनों कैसे है नेगेटिव है, कैसे है दोनों के दोनों नेगेटिव है, ओके। तो अब दोनों के दोनों नेगेटिव है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, दो वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी कैसा है नेगेटिव, दोनों कैसे एक ही डायरेक्शन में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कैसे एक ही डायरेक्शन में, नेगेटिव एक ही डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, ओके। अब उसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमको ये आपको एक दो या बार कोई पूछ सकता है, आपको एक बार के ऑप्शन में पूछ सकता है कि भाई आप मुझे ग्राफ दिखा के बताइए कि वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है। एग्जांपल नंबर टू देखते हैं, एग्जांपल नंबर टू में क्या दिया हुआ है, ओके। एग्जांपल नंबर टू इस तरह दिया हुआ, क्या दिया एग्जाम्पल नंबर टू में क्या दिया, इस तरह दिया हुआ है। तो सिंपल समझ ले कि यहाँ पे देखो क्या होता है, तो देखो जो एक पॉइंट पे इसके हमको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी क्या करनी है, इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, वही करना है हमको फाइंड वेलोसिटी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ओके। तो फर्स्ट क्या हमको करना है, इसका इसके इसका हमको क्या करना है, क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, वेलोसिटी फाइंड करनी है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पहले हम क्या करते हैं एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन देखो तो एक्सेलरेशन कैसा है, एक ही बार अपवर्ड कॉन्केव, कैसा है अपवर्ड कॉन्केव, और अपवर्ड कॉन्केव होता है तो क्या होता है एक्सेलरेशन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव। अब देखो अब यहां पे हमको मालूम है, हमको थीटा से थीटा क्या हमारा थीटा तो हमको मालूम है वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव थीटा जब, ओके। अब देखो अब मैं मुझे इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, वेलोसिटी क्या करना है फाइंड करनी है, या करनी है इस पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा यार टेंजेंट होगा, क्या करूंगा टेंजेंट होगा, यहाँ पे क्या थीटा 90 से ज्यादा, थीटा कैसा है 90 से ज्यादा, सो वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी कैसी है नेगेटिव है, कैसी है नेगेटिव, वेलोसिटी कैसी है नेगेटिव।
तो अब क्या है एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी कैसी है नेगेटिव एक्स में है तो वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी क्या होगी डिक्रीज होगी तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है इस केस में वेलोसिटी हो रही है क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है कैसे हो रही है डिक्रीज हो रही है यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है नहीं है और इसको क्या बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं रिटार्डेशन अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है फिर मैं आपको बाद में वो समझाऊंगा कि रिटार्डेशन क्या होता है सब आपको सिंपल समझ लो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है और वेलोसिटी क्या होता है पॉजिटिव होता है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते कैसे एक दोनों के साथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब एक दो एक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आते तभी उसको रिटार्डेशन कैसे कह सकते हैं नहीं तो हमेशा समझ लेते हैं कि वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में मींस के वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्या वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है क्या होता है जब एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तब इसको क्या होता है रिट्रार्डेशन बोलते हैं क्योंकि वो क्या कर रहा है कि वेलोसिटी को क्या कर रहा है कम कर रहा है ओके हमने एग्जांपल मेरे साथ लिखा हुआ है रिट्रार्डेशन रिट्रार्डेशन 3.5 मीटर पर सेकंड स्केल दिया हुआ है दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना कि रिट्रार्डेशन में मींस क्या होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है क्या होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन ओके अब एक लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं लास्ट वाले एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि हमको ऐसे बोला हुआ है एस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया उन्होंने क्या बोला इस तरह से तुम क्यों दिया हो कैसा है इस तरह के कौन कर दिया अब यहाँ पे क्या बोला है कि वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है क्या बोला है वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है तो सिंपल समझ लीजिए कि यहाँ पे जो एक डाउनलोड कोड के लिए तो क्या कैसा है नेगेटिव होगा ओके अब मुझे इस पॉइंट में क्या कर रहा हूँ इस पॉइंट से मैं टेंजेंट ले रहा हूँ इस पॉइंट में टेंजेंट लूंगा तो थीटा मेरा आएगा ओके थीटा क्या आ रहा है नाइनटी से क्या आ रहा है थीटा क्या आ रहा है नाइनटी से कैसा आ रहा है थीटा कैसा आ रहा है नाइनटी से छोटा आ रहा है ना सॉरी थीटा कैसा आ रहा है नाइनटी से छोटा आ रहा है कैसा आ रहा है नाइनटी से छोटा आ रहा है ओके एंड तो वेलोसिटी क्या होगी वी क्या होगा वी क्या होगा इंक्रीज होगा V क्या होगा पॉजिटिव होगा ओके और V के साथ पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव है तो क्या होगा कि वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी बस वही ऐसे एग्जांपल है ऐसे एग्जांपल आपको एग्जाम में एक या दो बार सकते हैं ओके और अब हम डिफरेंट तीन ग्राफ देखेंगे मीन्स की हम जो एक सिंपल एक समझ लें कि जब वी ए और वी क्या दोनों प्लस हो कैसा हो दोनों के सेम प्लस हो मीन्स की सेम साइन जैसे साइन सेम साइन तो वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी क्या होगी वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी ओके ए और बी नेगेटिव में भी कैसा होगी सेम साइन होगी कैसे होगी सेम साइन होगी तो भी वेलोसिटी क्या करेगी इंक्रीज करेगी पर ए और बी कैसे होगी ऑपोजिट साइन में होगी कैसे साइन में ऑपोजिट साइन में तो वेलोसिटी क्या करेगी डिक्रीज करेगी क्या करेगी डिक्रीज वेलोसिटी में क्या होगा कम हो जाएगा ओके और ए नेगेटिव को क्या बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं ए नेगेटिव को क्या बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं ओके अब देखो हमारे बुक में डिफरेंट डिफरेंट चार ग्राफ दिए हुए हैं डिफरेंट चार ग्राफ मीन्स के फोर ग्राफ दिए हुए हैं फोर ग्राफ में क्या लिखा हुआ कि एक क्या ग्राफ इस तरह वी वर्सेस टी के ग्राफ दिया गया है कैसे ग्राफ दिए वी वर्सेस टी के ग्राफ दिए हुए क्या बोला है वी वर्सेस टी के ग्राफ दिया हुआ है उससे हमको फाइंड करना है कि वेलोसिटी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है अभी जो देखा हो एस वर्सेस टी के ग्राफ थे एस वर्सेस टी का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ था अभी हमने आगे देखे हो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ था अब हम देखने वाले हो वेलोसिटी वर्सेस टी का ग्राफ इसके वी वर्सेस टी का ग्राफ देख रहे हैं क्या देख रहे हैं वी वर्सेस टी के ग्राफ तो वी वर्सेस टी के ग्राफ क्या बोलते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है तुम देखो अब देखो वी बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव है और वी बी पॉजिटिव है तो क्या हो रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है क्या हो रही है वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो उसका ग्राफ हम देखें तो कैसा आता है देखो ए बी है और ए टी है ओके जब वी वर्सेस टी होता है क्या होता है वी वर्सेस टी का ग्राफ बनना होता है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होता है और
एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव होता है। तब क्या होता है इस तरह के बदले आगे बढ़ते हैं, क्या होता है वेलोसिटी में क्या होता है इंक्रीज होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में क्या होता है इंक्रीज होता है। ग्राफ देखेंगे तो क्या होता है वेलोसिटी जो तुम क्या बोल रहे इंक्रीज हो रही है, जब दोनों की साइन सेम हो तो क्या होता है वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। अब देखो वी वर्सेस टी का ग्राफ, ए के साइन नेगेटिव है और वी के साइन पॉजिटिव है, सर पॉजिटिव वी के साइन पॉजिटिव है और ए के साथ नेगेटिव है, तो उसका जब हम ग्राफ दोगे तो कैसा आएगा, वी वर्सेस टी का ग्राफ देखो तो ए के साथ नेगेटिव है वी के साथ पॉजिटिव है, तो क्या होगा वेलोसिटी क्या कर रही है डिक्रीज हो रही है, क्या होगी पॉजिटिव साइन है वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज कर रही है, तो ऐसा जिसका ग्राफ होगा कैसा आएगा इस तरह आएगा, इसका डाउनवर्ड चलता हुआ आएगा, क्योंकि यहां पे देखो वेलोसिटी और ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। अब देखो वी वर्सेस टी का ग्राफ लेते हैं, अब देखो दोनों कैसे नेगेटिव है, कैसे दोनों कैसे है नेगेटिव है, इसके वेलोसिटी भी नेगेटिव है और अरे एक्सेलरेशन भी कैसा है नेगेटिव है, तो क्या होगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी, इसके सिंपल समझ ले तो ये वी वर्सेस टी का ग्राफ है देखो वी वर्सेस टी का ग्राफ ले रहे हो, वी वर्सेस टी का ग्राफ, अब देखो जो वेलोसिटी है वो कैसी पॉजिटिव, कैसी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन कैसा है नेगेटिव, अब देखते हैं क्या होता है वी वर्सेस टी का ग्राफ हमने ड्रो किया, वी वर्सेस टी का ग्राफ ड्रो किया ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी। अब देखो टी इज इक्वल टू मिस्टर क्या लेते हैं यहां पे टी इज इक्वल टू टी1 टाइम से क्या लेते हैं टी इज इक्वल टू टी1 टाइम पे क्या हो रही है जीरो हो रही है, क्या हो रही है जीरो हो रही है, वेलोसिटी हम डिक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज होके होके टी1 टाइम पे क्या टी इज इक्वल टू जीरो पर टी1 टाइम पे क्या होगी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहा क्या रहा है एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा तो टी इज इक्वल टू टी टू टाइम क्या लेगा टी टू टाइम मीन्स के टी टू टाइम में क्या हो जाएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी नेगेटिव, क्या हो जाएगी नेगेटिव मीन्स के जब एक्सेलरेशन मीन्स के वेलोसिटी पॉजिटिव है एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो क्या होगा वेलोसिटी मीन्स के डिग्री तो होके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, कहां तक क्या कहां हो जाएगी मीन्स के टी1 पे क्या हो जाएगी टी1 टी1 टाइम पे क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, फिर आगे बढ़ते रहेगी तो आगे क्या हो जाएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, मीन्स के जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तब वेलोसिटी क्या होती है पॉजिटिव जीरो भी हो सकती है और वेलोसिटी पॉजिटिव में वेलोसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट भी हो सकती है। ओके तो ये हमारा टॉपिक था, यहां से हम फिनिश करते हैं एक्सेलरेशन और यहां से हम दूसरा टॉपिक लेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में किस कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं वो। ओके वो एकदम सिंपल फॉर्मूले है पर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के फॉर्मूले। ओके